प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत गरीब और बेरोजगार महिला और पुरुषों को श्रम दान के बदले उन्हें प्रतिदिन 200 रुपए और दो दिन का 400 रुपए देने संबंधी दिल्ली के बुराड़ी में स्थित रोज पीटल पब्लिक स्कूल के परिसर में यहां आए लोगों का पंजीकरण किया गया और यहां चले दो दिन के पंजीकरण व्यवस्था के लिए 30 और 31 दिसंबर को आयोजन किया गया था और यहां आए 80 लोगों का ही पंजीकरण किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना के तहत जो लोग किसी भी तरह से श्रम दान करेंगे ऐसे लोगों के लिए 200 रुपए प्रतिदिन देने की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है और जो कि प्रत्येक नागरिक को दो दिन का 400 रुपए दिया जाएगा। आइए सुनते हैं इस मौके पर आयोजकों ने क्या कहा। ये भारत सरकार द्वारा श्रम योगी योजना श्रम मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से लागू की गई और देश के प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार ना रह जाए जो आर्थिक रूप से परेशानी के कारण भोजन की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की दिक्कत हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भी ये भी एक योजना 209 में संकलित की गई और उसका नाम है भारत सरकार श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम योगी मानधन योजना, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। ये सर कितना पैसा मिलेगा जो इनका लाभ जिनको? ये प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन है और इसमें एक दिन का 200 रुपए और दो दिन का 400 रुपए, यानी दो दिन से यहाँ लोग आ रहे हैं और इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया और अपना श्रम योगदान दे रहे हैं, जो सरकार द्वारा बताया गया उसका पूरा पालन कर रहे हैं। इन्होंने अपने छोटे छोटे योगदान किए हैं आकर के, यहाँ स्वच्छता पे सहयोग किया आकर के, और उसके लिए संबंधित अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने 200 रुपए के हिसाब से दो दिन का श्रम मानधन इनको दिया है और 400 रुपए इनको ऑनलाइन दिया जाएगा, सीधा बैंक में पहुंचे। आपके यहाँ पे कितने लोग आए हैं, कितने पंजीकृत हुए हैं? ये दो दिन का अभियान था तो इसमें दो ग्रुप में काम हुआ है, 40 एक ग्रुप में और 40 एक ग्रुप में, तो इस तरह 80 परिवार 80 लोगों का ये श्रम मानधन योजना और ये SC ST परिवार के लोगों के लिए ये दोनों कैंपस किए गए थे और जिन्होंने बहुत ही योगदान दिया, स्वच्छ भारत अभियान को बहुत बढ़ाया लोगों को जन जागरण में, कल भी समय पूरा दिया और आज भी पूरा समय दिया और जो सरकार की योजनाएं उनको जन जन तक बताने का काम किया और आज उसके साथ अधिकारी लोग आए हैं, उन्हें जो उनका मानधन है उनको मिलेगा। ये एक ही बार मिलेगा या आगे भी मिलता रहेगा? ये इस तरह की योजना और काम आते रहेगा जैसे जैसे इनका आगे काम करेंगे, क्योंकि ये श्रम मानधन है, ये फ्री की योजना नहीं है, ये मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है। ये जितने लोग बैठे हैं इन्होंने अपना अभियान के माध्यम से सुबह से यहाँ काम किया है, जिनको जो काम दिया गया है बहन बेटियों ने उसको आगे बढ़ाया है, स्वच्छता की है, कहीं कूड़े थे कहीं कुछ था उनको भी उन्होंने संकलित करके एक जगह बैठाया है, पन्नी को अलग किया, गत्ते को अलग किया, कचड़े को अलग किया, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और सभी लोग इस काम को आगे बढ़ करके करें और जो काम करेगा सरकार चाहती है उनको कम से कम उनका श्रम मानधन योजना मिले। ठीक है, दो दिन का कैंप है जिसमें 40-40 ग्रुप में हमने दो ग्रुप बनाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया है और ये योजना ये है कि हम इन लोगों को दो दिन के लिए बुलाते हैं यहाँ पे और उसमें जो सरकार की जितनी योजनाएं कल्याणकारी योजनाएं हैं इनकी जानकारी इसमें दे रहे हैं और साथ साथ उनके रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनको पर्टिकुलर एजेंसी बता रहे हैं कि कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे जो हमारी प्रधानमंत्री की श्रम योगी मानधन योजना है उसमें इनके पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है उसमें इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए जिसमें 2 लाख रुपए का बीमा है और साथ साथ ये भी है कि जो और स्वास्थ्य की जानकारियां, स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां हेल्थ सर्विसेज के बारे में, जिससे इनकी अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी काम की दशाएं रहे, इसके लिए हम लोग उनको अवेयर करके रजिस्ट्रेशन करके और इनके खाते में 400-400 रुपए भिजवाते हैं। हमारे नेतृत्व में सब पहले 28 और 29 दिसंबर को हमने कराबल नगर विधानसभा का कार्यक्रम किया था जी, वहाँ भी हमने 80 गरीब महिलाओं को और पुरुषों को हमने इस योजना का लाभ दिलवाया है जी, और अभी इसी कड़ी में ये दो दिवसीय कार्यक्रम 30 और 31 को बुराड़ी विधानसभा का हमने 80 लोगों का ही करवाया गया है, 80 लोगों को ही इसमें हमने लाभान्वित कराया है जी। SC और ST समुदाय के लिए ही आई थी वर्क के लिए, आने वाले समय में OBC और जनरल के लिए भी यही योजना है, उसमें भी हम इसमें इन वर्क को हम लाभ दिलवाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ अपने एरिया में लेडीज को, क्योंकि लेडीज के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है घर की फाइनेंशियली भी, कैसे उसको पूरे घर का खर्च चलाना है, तो लेडीज को इकट्ठा किया, उनको बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो योजनाएं हैं, ये जो अभियान है, इसके द्वारा हम जन जन तक हर योजना को पहुँचाने का प्रयत्न रहते हैं, अभियान जो की अंत्योदय
की विचारधारा पर ही आधारित है। हमारे अभियान का एकमात्र उद्देश्य है कि पंक्ति में खड़े हुए लास्ट अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ मिले, लाभान्वित हो, और ऐसे कैंपेनिंग हमारे चलते रहते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोगों को लाभान्वित समय समय पर करते रहेंगे। ठीक। जिस तरह इस कल्याणकारी योजना को लेकर लोगों में जागरूकता के अभाव के चलते जरूरतमंद लोग फायदा लेने में असमर्थ रहते थे, निश्चित ही ऐसे आयोजनों से जागरूकता आएगी। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।